नमस्कार, गोरखपुर पूर्वांचल कंप्यूटर एजुकेशन बख्शीपुर सेंटर पर मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन एवं शेरी नशिस्त का आयोजन प्रबंधक जावेद अंसारी की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री रामचेत चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि भोजपुरी एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, रईस अहमद छुन्नू, कैस अंसारी, मुर्तजा हुसैन रहमानी, आफताब अहमद मुन्ना, अमीरुल निशा स्वीटी थे। कार्यक्रम का संचालन कवि व शायर मिन्नत गोरखपुरी ने पढ़ा किया। 10% भी का नकल कर सके बहुत बड़ी चीज होगी उस मुल्क के लिए। उसी शख्सियत को याद करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए। बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग मिसाल मैन के संज्ञा को जानने वाले अब्दुल कलाम साहब के आज जन्म दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम लोग कर रहे हैं। उनके में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। 5 साल 8 साल की उम्र से ही उन्होंने स्वयं पूरे परिवार का उनके ऊपर भार था और अपने वो कठिन परिश्रम करके वो आज देश के प्रमुख एक प्रमुख स्थान पर वो पहुँचे। शिक्षक होता है जो वो समाज का विकास करता है। बहुत बड़े शिक्षक थे। हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन शिक्षा का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता देकर देश के विकास में अपना योगदान। जब चांद आसमान में निकला मैं भी अपने मकान से निकला। जब चांद आसमान में निकला मैं भी अपने मकान से निकला। जाने कितने मराहिल तय करता है एक चावल जो धान से निकलता है। सरस्वती सारे देवों, सरस्वती सारे देवों की चरणों में स्थान दीवा। सरस्वती सारे देवों, सरस्वती। कलाम साहब की पुण्यतिथि पर एक काव्य गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विशेष रूप से जो उनकी शख्सियत है उसके ऊपर विशेष पूरा प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर रामचेत चौधरी जी और राकेश श्रीवास्तव जी यहां पर आए हैं।